पंजाबी स्टाइल में आपने घिये के कोफ्ते की करी खाई होगी। घिये के कोफ्ते अगर आपको मैं मक्खनी ग्रेवी के साथ परोसूं तो हो गया नहीं शाही अंदाज। यही है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये शाही रेसिपी, घिया कोफ्ता मक्खनी। घिया कोफ्ता मक्खनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा घिये के कोफ्ते। तो यहां घिया को मैंने इस तरीके से कद्दूकस करके रखा हुआ है और इसके अंदर है ना बहुत पानी होता है, और भी ज्यादा इसमें से पानी बाहर निकले उसके लिए हम इसके अंदर डाल देंगे जरा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसे 5 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ सकते हो और फिर इसके अंदर से काफ़ी सारा पानी जो है वो बाहर निकलेगा, जिसको हमने निकालना है, क्योंकि कोफ्तों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो आप फ्राई कैसे करोगे। इसको अच्छे से मुझे निचोड़ना है और जो पानी इसने छोड़ा है वो मुझे निकाल देना है। अच्छे से स्क्वीज करेंगे, जितना पॉसिबल होगा उतना हम पानी इसका निकाल देंगे, और ये घिया पानी निकालने के बाद अलग प्लेट में रखते जाएंगे। घिया का पानी काफी न्यूट्रिशियस होता है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही पी सकते हो, या फिर आप इसको करी के अंदर जब पकेगी ना ग्रेवी उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो, तो इसे फेंकना मत। अब कोफ्ते के लिए मिक्सर तैयार करते हैं। तो एक बोल के अंदर मैं ये घिया ले लूंगा जिसमें से पानी मैंने निकाल दिया है। कोफ्ते मतलब पकौड़े, और पकौड़ों के लिए बेसन चाहिए। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। रीज़न बीइंग, अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन ऐड कर दोगे और फिर क्या होगा, वो बहुत हार्ड हो जाएंगे कोफ्ते, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो बेसन हमें उतना ही चाहिए कि जितना वो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएं तेल के अंदर। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल ऑलरेडी रख दिया है डीप फ्राई करने के लिए। बेसन और ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे इसे। आपको खुद फील होगा इसके अंदर पानी जो है वो कम होगा और आपको लगेगा कि उसके आप कोफ्ते इजीली आप बना पाओगे, पकौड़े इजीली बना पाओगे, बस उस कंसिस्टेंसी तक आपको उतना ही बेसन इसके अंदर ऐड करना है। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है घिया के अंदर, और बिल्कुल इस तरीके से आप उसको बैटर को लिफ्ट करोगे और उसके कोफ्ते आप इजीली बना पाओगे। अच्छा, गैस हम जला देते हैं। अब शुरू करते हैं इसके अंदर मसाले ऐड करना। स्वाद अनुसार नमक, बारीक चॉप किया हुआ अदरक, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये गई अजवाइन, अच्छे से क्रश करके हम डाल देंगे। रेड चिली पाउडर, ज़रा सी हल्दी और धनिया पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और किस तरीके से आप कोफ्ते तलोगे वो आप ध्यान से देखो। ये है पानी, सादा पानी है। इसके अंदर आप ये उंगलियों की जो यहाँ पोरे होते हैं यानी कि जो टिप्स है, इसको हल्का सा पानी में डिप करना और ये बैटर उठाना, और थोड़ा थोड़ा ये जो बैटर है वो आपको तेल के अंदर केयरफुली छोड़ना है। पास से, दूर से आप मत छोड़ना, फिर नहीं तो तेल जो है वो उछल के आपके ऊपर आएगा। सो केयरफुली आपको ये करना है। हल्का सा वो तला जाएगा, उसके बाद आपको इनको चलाना है। अब देखो ये ऑलरेडी जो है वो हल्के हल्के सुनहरे होना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरीके से मुझे इनको तलना है, और एक बारी में कढ़ाई में जितने आ जाएं आपको उतने तलने हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। उससे क्या होता है, जब आप डालते जाओगे तो तेल का टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाएगा, परफेक्ट तले नहीं जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कोफ्ते तलते वक्त आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये मत सोचना कि अरे भाई टाइम लग रहा है, गैस बढ़ा देते हैं, बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो ऊपर से तो बहुत डार्क ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से तले जा चुके हैं, आप देख सकते हो नाइस ये क्रंची हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। इनको निकाल लेते हैं पेपर टॉवल के ऊपर। कोफ्ते तलकर तैयार हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मक्खनी ग्रेवी पर। मक्खनी ग्रेवी हम बनाना शुरू करते हैं।
गैस चला लेते हैं। एक पैन के अंदर सबसे पहले डालेंगे तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर पहले डाल देंगे ज़रा सा ज़ीरा, छोटी वाली इलायचियाँ इनके दाने खोल के। ज़ीरे को ज़्यादा हमें काला नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगा प्याज, ज़रा सा नमक। प्याज को एक मिनट के लिए मैं सौते कर लेता हूँ पहले। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा रफली चॉप किए हुए टमाटर और साथ ही में ग्रेवी को रिचनेस देने के लिए मैं ऐड करूंगा काजू। ज़रा सा नमक और डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा पानी और अच्छे से मैं पानी डाल दूंगा। सारे टमाटर प्याज जो है वो पानी के अंदर डूब जाने चाहिए। अब इसके अंदर एक बॉयल आएगा, फिर इसको ढक के मुझे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है, तब तक जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमने काजू इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ताकि हम उसको पीस पाएँ और मक्खनी ग्रेवी बना पाएँ। काजू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गैस करते हैं बंद। अब इस मसाले को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम पीसेंगे। तो ग्रेवी को मैंने ठंडा करके अच्छे से पीस लिया है, अब इसको हम छान लेते हैं। ग्रेवी को हम छान क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि रेसिपी का नाम क्या है? घिया कोफ्ता मक्खनी। मक्खनी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रेसिपी के अंदर मक्खन जाएगा, इसका मतलब होता है कि जो टेक्सचर है ग्रेवी का वो भी मक्खनी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। उसके लिए छानना पड़ेगा। मक्खनी ग्रेवी तैयार है, घिया के कोफ्ते बनकर तैयार है, बस अब फाइनल तड़का बाकी है और ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब फाइनल तड़के के लिए एक पैन लिया और उसके अंदर डाल देंगे हम तेल। अब यहां पर आएगा मक्खन। मक्खन को मेल्ट होने देते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले। ये गई सिनेमन स्टिक और ये बड़ी वाली इलायची, हल्का सा इसको खोल के डालेंगे बस। और साथ ही में मैं ऐड कर दूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच भर के। हल्का सा सौते करेंगे 30 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद क्विकली इसको मिक्स करना है। पैन को आप उठा लेना गैस से ताकि मिर्चें जल ना जाएं और ज़रा सा डाल देंगे पानी। और अब इसके अंदर जाएगी ये मक्खनी ग्रेवी। अब ये ऐड करने के बाद हम सीजन कर देंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ध्यान रखना नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और इसे कर देंगे मिक्स। अब ग्रेवी के अंदर हम ऐड करेंगे पानी, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से। मैं यहाँ पे थोड़ा कम पानी रखूँगा क्योंकि जो ग्रेवी है ना वो हल्की सी लिपटी हुई गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वो अच्छी लगती है, जो नान के साथ, लच्छे पराठे के साथ आप इंजॉय कर सको। बस अब इसे हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ग्रेवी जो है पक चुकी है, इसके अंदर कुछ फाइनल टचेस जाएंगे। हल्की सी मिठास मक्खनी ग्रेवी के अंदर अच्छी लगती है, तो मैं डाल दूंगा ज़रा सी चीनी, बिल्कुल ज़रा सी। उसके अलावा गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी, ये हल्की सी पिसी हुई, और डाल देंगे ज़रा सा मक्खन। अब इसे करते हैं मिक्स। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कोफ्ते बना के रखे थे वो। आप चाहो तो कुछ कोफ्ते बचा सकते हो, एज स्टार्टर चाय के साथ खा सकते हो, बिल्कुल जिस तरीके से कांदा भजिया होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। हाँ, थोड़े क्रिस्पी कम होते हैं क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ग्रेवी के अंदर जाने होते हैं तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट बनाए जाते हैं। अब इसको करते हैं मिक्स। अब एंड में इसके अंदर जाएगी क्रीम।
अब इसको मिक्स करेंगे और गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए। अब सिम गैस के ऊपर बस एक मिनट के लिए मुझे इसको चलाना है और ये घिया कोफ्ता मक्खनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी तैयार है, अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और अब इसे गार्निश कर देंगे हम क्रीम के साथ, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया, और ये हमारी घिया कोफ्ता मखनी बनकर बिल्कुल तैयार है। और शाही अंदाज में आप इसको परोस सकते हो लच्छे पराठे के साथ या फिर बटर नान के साथ, बट आपको ट्राई तो करनी पड़ेगी ये शाही रेसिपी, और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये कैसी लगी। और इसी तरीके की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।